इसका बोर्ड लग रहा है, जो सिस्टम जो बनारस में नाप लगाए हुए हमें, ये देख लीजिए गाड़ी पूरी तरीके से, जो कोई भी नहीं अभी तक ले हम देखे हैं, जो अपना सेटअप हम लगा दिए हैं पानी में। और देख लीजिए जनरेटर, क्रेन से जनरेटर लद रहा है और उस नाप लदे गया। और बताना सारपी सब लगना बाकी है, सारपी सब नीचे रखा हुआ है, अंदर भी है, एक करेन से सब जनरेटर उस पर लदेगा। अब सोच लीजिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, और जलने वाले को जलने दो, मैं अपना काम करता रहूँगा। सूरज किंग ऑफ लालगंज, जो लालगंज से चल कर आए हैं बनारस में, इसके बाद हम लोगों का जनरेटर जो 62 KV जो लद रहा है, इस नाप लदेगा। हम लोग, हमारा काम ही ऐसा कि हम कहीं भी जाते हैं तालका कुछ और मचाते हैं। अभी सब सारपी लाइट सब बनना बाकी है, पंखड़ी भी लगेगी, ये सब अभी सारपी लाइट वो सब नीचे रखा हुआ है। इस नाव पर जो अभी तक कोई भी नहीं सोचा था अपने आजमगढ़ ज़िला में, वो हम करके दिखा रहे हैं। आप लोग का प्यार बना रहेगा तो बहुत कुछ दिखाएँगे हम, जो हमसे जलते हैं वो जलते रहिए। मैं अपना काम करता रहूँगा। जनरेटर सूरज डीजे का लग चुका है, जो आजमगढ़ से चलकर बनारस में आए हुए हैं, 80 घाट पे लगा हुआ है। जो जलवा हम दिखाते हैं कुछ और अलग दिखाते हैं। जनरेटर बैठ, अभी बैठना कुछ समय में बैठ जाएगा, और इसके बाद ये मेरा सेटअप देख लीजिए। अभी सब सारपी लाइट बाकी है, इसमें सारपी लाइट का काम अभी, क्योंकि धूप इतना तगड़ा हो गया है कि सारपी की लाइट काम अभी कुछ समय में होगा। और इसके बाद हम बताना चाहते हैं, चक्कर में पूरा पूर्वांचल हिल चुका है, क्योंकि ये देख लीजिए पानी में कभी सोचे भी नहीं होते होंगे सभी लोग कि कोई डीजे बजा रहा था। टेस्टिंग भी हो चुका है, टेस्टिंग बहुत खतरनाक हुआ है, पार्टी वाले खुश हैं। और सारपी सारपी लगना कुछ बाकी है।